नेक्स्ट एप्लीकेशन श्रेया इधर. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम. सेकेंड एप्लीकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड एप्लीकेशन विच इज, अगर आप पैरेलल साइकिल चलाते हो तो यू टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. या फिर टू शिप्स रनिंग पैरेलल इन वाटर, दे टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. ये हम टॉप व्यू दिखा रहे हैं शिप्स का. दो शिप्स जो है पैरेलल जा रहे हैं वाटर के अंदर, तो अगर वो पैरेलल जा रहे हैं, जैसे आप भी बाईसाइकिलिंग करो पैरेलल टू ईच अदर, यू टेंड टू कोलाइड. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे वी कैन एक्सप्लेन. वाटर है इधर. अब बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस शिप, इस शिप की मूवमेंट से इधर भी वाटर डिस्टर्ब होता है, इधर भी. ठीक है, अब इस शिप की मूवमेंट से भी यहां पे भी वाटर डिस्टर्ब हुआ, यहां पे भी हुआ. ठीक है, तो कहां पे वाटर की स्पीड ज्यादा होगी, इस एरिया में कि इन एरियाज में, सेंटर में? क्योंकि ये वाला वाटर इन दोनों शिप्स की मूवमेंट से डिस्टर्ब हो रहा है. तो हियर द स्पीड ऑफ वाटर इज हाई, सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड. और यहाँ पे जो स्पीड है वाटर की वो कंपैरेटिवली लेस है, प्रेशर इज मोर हियर. सेम वे वेलोसिटी इज लेस, प्रेशर इज मोर हियर. एंड एनीथिंग मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो ये वाला शिप भी इधर को मूव करने की टेंडेंसी रखेगा हाई टू लो, और ये वाला शिप भी, एंड दे विल टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि विंड वाटर की स्पीड सेंटर में हाई हो जाती है और प्रेशर लो हो जाता है. लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, सो द शिप्स टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दे टेंड टू मूव इन बिटवीन, एंड दे टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम. तो लिखिए क्वेश्चन क्या बनेगा इसका. टू शिप्स रनिंग पैरेलल इन वॉटर, टू शिप्स रनिंग पैरेलल इन वॉटर टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. वाई? टू शिप्स रनिंग पैरेलल इन वॉटर टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. वाई? शिप में आपको पता ही है उसमें क्या है, उसमें तो अपनी मर्जी ज्यादा थोड़ी ना ड्राइवर की चलती है, वो तो वाटर का फ्लो भी उसमें बहुत मैटर करता है. दो बोट्स ले लो जैसे, मतलब पैडल जिसको कर रहे हैं आप, वो भी कर सकते हो. आप साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट ले लो, सिंपल कॉन्सेप्ट, वो तो आप अज्यूम कर ही सकते हो. ठीक है, यू कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. रन टू साइकिल्स पैरेलल एंड दे टेंड टू कोलाइड, इफ इट इज क्लियर देन यू कैन मेक दिस वीडियो. वो ऐसे पैरेलल कब जाएंगे? एरोप्लेन कैसे पैरेलल जाएंगे? उसमें स्ट्रॉन्ग इंजन है, उसमें तो वो सेल्फ ड्रिवन है. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन. नेक्स्ट हो गया ये स्टेटमेंट, लिख लो. टू पैरेलल शिप्स, टू शिप्स रनिंग पैरेलल इन वाटर टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. व्हाई? वाई का आप यही कहोगे ना कि इन द रीजन बिटवीन टू शिप्स द स्पीड ऑफ वाटर इज हाई एंड लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड. आउटसाइड एरियाज में प्रेशर विल बी हाई, सो द शिप्स टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स व्हाई दे टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. दे टेंड टू कोलाइड विद ईच अदर. पुलकित, go and bring one sanitizer with spray from somewhere. होगा कहीं पड़ा, ये नहीं है ना स्प्रे वाला, कहीं लैब वगैरह में होगा या रिसेप्शन पे देखो. ओके, थर्ड एप्लीकेशन. नाउ थर्ड एप्लीकेशन. अच्छा, लियो लो एटमाइजर और स्प्रेयर.
लाइक परफ्यूम स्प्रेयर है, कोई भी स्प्रे हम जब करते हैं ठीक है, तो उसमें क्या प्रिंसिपल होता है स्प्रेयर में वो आप देखना। अब इसमें नोजल लगी हुई है ना, नोजल से लिक्विड बाहर आता है, यू नो दैट ठीक है, तो उसकी वर्किंग भी बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। सो देयर इज, इट इज आल्सो कॉल्ड एटमाइजर और स्प्रेयर, लिक्विड इनसाइड, ब्लाउ इसको ठीक है, ये नोजल है जिसमें से लिक्विड बाहर आएगा ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्या होगा, व्हेन वी प्रेस दिस ठीक है, जब हमने इसको स्क्वीज करना है, मतलब इसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं स्प्रे से पहले इसको प्रेस करते हैं, तो विंड रशेस वेरी फास्ट थ्रू दिस पाइप ठीक है, विंड की स्पीड हाई हो जाती है यहाँ पे, एयर की स्पीड हाई हो जाएगी इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम लो प्रेशर रीजन विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस पाइप, जहां से हमने बहुत फास्ट एयर की स्पीड कर दी, और जो सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ लिक्विड है, वहां पे एयर की स्पीड नॉर्मल है, लेस है, सो हाई प्रेशर इज क्रिएटेड हियर, हाई प्रेशर रीजन इज अवेलेबल हियर। सो दिस लिक्विड राइजेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, विंड की स्पीड यहाँ पे एयर की स्पीड हाई होती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, दैट कॉजेज द लिक्विड टू राइज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड फ्रॉम वेयर एवर इट फाइंड्स द आउटलेट इट कम्स आउट, तो जहां से भी उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है वहां से लिक्विड बाहर आ जाता है, सो इट इज स्प्रेड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजर और स्प्रे। ओके क्लियर हो गया, तो जब हमने उसको प्रेस किया तो एयर की स्पीड हाई हो जाएगी इस पाइप के अंदर, जबकि जहां पे लिक्विड प्रेजेंट है वहां पे नॉर्मल है, सो देयर हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड इनसाइड द पाइप, लो प्रेशर इज क्रिएटेड, सो लिक्विड राइजेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। हाँ चलो ये भी ले आए ठीक है, तो इसका भी यही प्रिंसिपल है, जो भी स्प्रेयर ले सकते हो आप ठीक है, ये बाहर आ रहा है जैसे भी चलो कोई बात नहीं, ज्यादा तो नहीं किया, बंद कर ठीक है, तो आप भी सुन लो एक बार, हम जब ये इसको प्रेस करते हैं इसके कैप को, तो यहाँ पे एयर की स्पीड फास्ट हो जाती है, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग लो प्रेशर हो जाएगा, जहां पे लिक्विड अंदर प्रेजेंट है वहां पे स्पीड तो नॉर्मल थी, कम थी, प्रेशर हाई है, तो जब जैसे ही हमने उसको प्रेस किया यहाँ लो प्रेशर रीजन पाइप के अंदर क्रिएट हो गया, तो लिक्विड राइजेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड इट विल कम आउट ऑफ द नोजल, दैट इज ओपनिंग। क्या करना उसका, हाँ जो भी स्प्रे हम कर रहे हैं सबका यही प्रिंसिपल ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ है आपका आगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नस इफेक्ट, इट इज रिलेटेड टू स्पिनिंग मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, मैग्नस इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्पिनिंग मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, जब हमने एज सच हम बॉल को थ्रो करते हैं तो डाउनवर्ड आफ्टर फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ इट गोज, जब हम उसको स्पिन करते हैं तो आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हो, थोड़ा रोटेट करके थ्रो करते हो, तो व्हाई दिस इज डन, ताकि बॉल सीधी पैराबोलिक पाथ से डाउनवर्ड ना जाए, वो पहले स्पिन होके ऊपर जाए ठीक है, उसके लिए आप ऐसे करते हो, तो क्या होता है इससे विंड की स्पीड जो है, जब आपने इसको ऊपर को थ्रो किया है तो विंड की स्पीड हेयर इज हाई, प्रेशर अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम इज लो हेयर, यहाँ पे विंड की स्पीड लेस है, एयर की स्पीड लेस है, हाई प्रेशर रीजन विल बी क्रिएटेड हियर, सो हाई टू लो इट विल कीप द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वही जैसे पेपर का हमने बोला कि टू कीप अ पेपर, पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर इट नॉट अंडर इट, तो उसको ऊपर ओवर उसके ब्लो करोगे आप, विंड की स्पीड हाई हो जाएगी, प्रेशर लो हो जाएगा, हाई टू लो प्रेशर डिफरेंस उसको ऊपर रखेगा,
ठीक है, ऐसे ही बॉल का भी जब हम इसको स्पिन करके थ्रो करते हैं, तो जब ये ऐसे घूम गई तो ऊपर विंड की स्पीड हाई हो गई तो प्रेशर लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे विंड स्पीड लेस है, प्रेशर हाई है, हाई टू लो ये बॉल को ऊपर रखेगा, ग्रेविटी के अंडर एकदम से नीचे गिरने नहीं देगा, तो बॉल जो वो स्पिन कर जाती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट इज टॉरिसली थ्योरम। टॉरिसली का नाम सुना है आपने? कहाँ सुना है? पहले सुना है कहीं? टॉरिसली बैरोमीटर इज क्वाइट फेमस। पहला जो मर्करी बैरोमीटर था वो टॉरिसली ने बनाया था। सो ही गेव द कॉन्सेप्ट कि 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैम मैंने सुना हुआ है नाम, सुना हुआ है इसी से रिलेटेड प्रेशर से। हाँ जी यस मैम। क्या क्यों? बहुत बहुत है इंडियंस, उन्होंने सीवी रमन का भी कल परसों था बर्थ, सीवी रमन। टॉरिसली थ्योरम इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ अ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन ओरिफिस। ये जो एक कंटेनर में होल है ना, इसको हम बोलेंगे ओरिफिस, ठीक है, होल को ही बोल रहे हैं। तो जब इसमें लिक्विड है कंटेनर में, तो वाटर विल कम आउट विद सर्टेन वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन ओरिफिस, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Velocity of liquid coming out of an orifice, velocity of efflux coming out of an orifice is same as velocity of an object falling freely through a height equal to free surface and orifice. इतनी height अगर हम लें, ये वाली height को अगर हम h ले लें, ये height कितनी है, ये distance कितना है, free surface और orifice के बीच में जो distance है, अगर इतनी height के through एक object को freely fall करवाएं, उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज फाउंड सेम एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड, एंड दिस थ्योरम टॉक्स अबाउट दिस, ये दोनों वेलोसिटी सेम होती है। तो लिखिए इसकी स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इट स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन orifice, velocity of efflux of liquid coming out of an orifice is same as, half part ye ho gaya, is same as the velocity of an object falling freely, velocity of an object falling freely through a height, falling freely through a height equal to the distance between, falling freely through a height equal to distance between free surface and orifice, equal to distance between free surface and orifice. रट्टा नहीं ना मारना, यहां से देखो free surface और orifice के बीच में ये जो height है उतने distance के through जब कोई object fall करेगी उसकी velocity same होगी as that of velocity of efflux. So, अब हम उसको प्रूव करते हैं यूजिंग बर्नौली'स थ्योरम, लेट अस प्रूव दैट। सो दिस इज मैथमेटिकल एप्लीकेशन, राइट। तो हम यहां पे और यहां पे बर्नौली'स थ्योरम यूज करते हैं सरफेस पे और ओरिफिस पे, यूजिंग बर्नौली'स थ्योरम एट सरफेस एंड एट द ओरिफिस, ठीक है। तो बर्नौली'स थ्योरम का फॉर्मूला क्या है श्रेया, आप बताओ श्रेया?
क्या फॉर्मूला बर्नौली थ्योरम का कल हमने डिराइव किया था, अब फॉर्मूला बताओ। स्टैंड अप, क्या फॉर्मूला है? गुरसीरत, फॉर्मूला वैसे ही बताओ। ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहे हो। फॉर्मूला क्या था एंड में? पी बाय, हाँ तो ये है पी बाय रो प्लस जी एच एट द सरफेस शुड बी इक्वल टू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, शुड बी इक्वल टू पी बाय रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच एट ओरिफिस। ये दोनों सेम होने चाहिए, यहां पे इनका सम शुड बी इक्वल टू एट द ओरिफिस। ठीक है, अब देखते हैं क्या डेटा है। वट इज द प्रेशर एट द सर्फेस? एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ओपन सर्फेस है लिक्विड का, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। फ्री सर्फेस इज ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट, तो यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी जीरो है, फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो ऑलवेज एट रेस्ट, तो उसके सर्फेस पे कोई वेलोसिटी नहीं है। और एच है, ठीक है, हाइट पे है ये। अगर आप ओरिफिस को ग्राउंड लेवल पे ले रहे हो तो सरफेस की हाइट एच है, ठीक है, वो ओके। अब ओरिफिस पे कितना प्रेशर है? ओरिफिस भी तो ओपन है ना, एक्सपोज टू एयर है, यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओरिफिस पे भी पी ए है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वी है, वही तो हमने कैलकुलेट करनी है। और अगर हमने ओरिफिस को ग्राउंड लेवल पे लिया है तो हाइट जीरो है। सो पुट इन ऑल दीज पर्टिकुलर्स हियर। देखो ये सारा डाटा क्लियर है कि वाई सरफेस पे वेलोसिटी जीरो, वाई ओरिफिस पे उसकी हाइट जीरो, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड लेवल पे लिया है। फ्री सरफेस रेस्ट पे है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस इज जीरो। अब देखो ये पी ए बाय रो टर्म इज सेम, गेट्स कैंसल्ड, वी गेट जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू, सो वी इज अंडर रूट टू जी एच। ये एक पार्ट हो गया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर वन। So we have calculated velocity of efflux. We have calculated velocity of efflux first of all. Half part of derivation is done. Now we have to do the other half part. RMN, इधर आ जाओ। नहीं हो रहे ना आप, इधर आ जाओ। यहाँ लिखा हुआ ना? Clear? Okay. अब हम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली थ्रू दिस हाइट वो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि सेम आती है कि नहीं। सो लेट अस टेक अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट h, फ्रीली फॉलिंग है तो v जीरो है, u जीरो है, v हमें कैलकुलेट करना है, डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस है, ठीक है, ये पता है आपको डेटा। So use third equation, v square minus u square equal to 2as. Put the values, u zero है, s क्या है h, height हमने h ली है ना, तो v square क्या आ गया 2gh and v is under root 2gh. So this is velocity of a body falling freely through this much height, जो वही जो हमने statement में बोला है। तो फ्रॉम वन एंड टू यू कैन सी बोथ द वेलोसिटीज आर इक्वल, सो दिस इज व्हाट आर टॉरिसेलीज थ्योरम सेज, कि दोनों वेलोसिटीज सेम आती है। सो दिस वाज यू सी मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। वन मोर मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम वी विल बी डूइंग आफ्टर दिस, वेंचुरी मीटर, दैट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। पहले ये देख लो, इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क। वेंचुरी मीटर, हाँ
वेंचुरी मीटर इज अ कोएक्सियल ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस. बस बस ये देखो, इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरिंग कोएक्सियल ट्यूब ऑफ वेरिंग एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है, इसका कम है, फिर ग्रेटर है, लाइक दैट. तो कोएक्सियल है, एक्सिस सेम है उनकी, को मीन सेम. अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है A1, यहाँ पे स्मॉलर है A2, लेट अस से. यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड है V1, यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड है V2. अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लिक्विड साइड्स पे राइज करेगा, साइड ट्यूब्स दी हुई है ना यहाँ पे, किस साइड ट्यूब में लिक्विड लेवल हायर होगा, किस में लोअर होगा, ये आप बताइए. अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम. क्या बताइए, किधर लेवल ऑफ लिक्विड हाई होगा, किधर स्मॉल होगा. स्टैंड अप बताओ. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली थ्योरम के रिजल्ट अप्लाई करने हैं आपको. बस यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है, V1 लेस होगा, तो P1 क्या होगा, ज्यादा होगा. यहाँ प्रेशर ज्यादा है बाहर, इसका मतलब कम है, तो लिक्विड विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ पे लिक्विड ग्रेटर हाइट तक राइज करेगा. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर लो होगा, बाहर प्रेशर हाई होगा. सो लिक्विड विल सप्रेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ये बाहर से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ये ज्यादा राइज नहीं हो पाएगा. तो इधर लिक्विड का लेवल कम होगा. सो लेट अस से दिस लेवल इज H1 एंड दिस लेवल इज H2. तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है NCERT का. उन्होंने दो वेंचुरी मीटर बना दिए हैं, लेवल डिफरेंट बनाए हैं, पूछा है कि वो कौन सा करेक्ट है. तो ये वाला करेक्ट है, जिस जिधर एरिया ज्यादा है वहां ज्यादा लेवल होगा, हाइट ज्यादा होगी, जहां कम है वहां कम राइज करेगा. ठीक है, एक तो यही आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ओके फाइन, अटेंडेंस लिख लो.